आज आपको दिखाऊंगा कि अगर जो आपके लैपटॉप में, जैसे एचपी का लैपटॉप है, मेरे पास देख रहे हो 15R का ये लैपटॉप है, इसमें डीसी जैक की प्रॉब्लम आ रही है। जब चार्जिंग में हम इसको लगाते हैं तो चार्ज सही से नहीं हो पाता है, कभी कनेक्टिविटी होती है, कभी कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिनको ज़रूरत है हमारी सर्विस की, उनको भी आपकी मदद से हेल्प मिल सके। तो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे एक डीसी जैक की प्रॉब्लम को सूट आउट किया जाता है एचपी के लैपटॉप में। सबसे पहले तो हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जितने स्क्रू हैं वो सारे स्क्रू खोल लेंगे, एक एक करके, एक वन बाई वन करके सारे स्क्रू खोल लेंगे ताकि लैपटॉप प्रॉपर खुल जाए। स्क्रू खोलने के बाद हम इसका ढक्कन ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसका डीसी जैक खोल सकें। ये आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ये लैपटॉप पूरा खुल चुका है और इसका जो डीसी जैक है वो यहाँ पे इस हिंचेज के नीचे होता है। ये इसकी कनेक्टिविटी होती है मदरबोर्ड से, जो प्रॉब्लम करती है जब ये डीसी जैक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो चार्जिंग नहीं कर पाती है या बैटरी चार्ज नहीं कर पाती है, कभी कभी ऑन नहीं कर पाती है, बहुत सारी केसेस हो जाते हैं। अभी इस एरिया को खोलने के बाद ये जो डीसी जैक है, ये पुराना वाला, हमने इसे रिमूव कर देना है, निकाल देना है, साइड में रख देना है। और उसके बाद जो नया डीसी जैक है उसको लगा करके यहाँ पे फिट करके, फिटिंग करके इसको हमको चेक करना है कि जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है नोट चार्जिंग की, वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि चार्जिंग जैक जो नया वाला था वो उसे मैंने फ़िट कर दिया है। फिट करने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा कर स्क्रू सारे टाइट करके और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो चार्जिंग जैक होता है वो एक अलग ही कंपोनेंट होता है, इस तरह का अलग ही कंपोनेंट होता है और इनमें भी इशूज़ आ सकती हैं। और इनके इनमें जो इशूज़ आती हैं, इनमें जो प्रॉब्लम आती है, तो आपके लैपटॉप चार्जिंग करना बंद कर देता है या फिर कभी कभी चार्जिंग पकड़ता है, कभी छोड़ देता है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर जो आप फेस करते हैं अपने लैपटॉप में, किसी भी लैपटॉप में, तो आप सूरज कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। धन्यवाद।